हेलो व्यूअर्स, आई एम सीमा दुबे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसा कि आपने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में बताया है, फिर मैंने कैसे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं उसके बारे में बताया है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज किया जाता है, इफ एलिफ और एल्स का कैसे यूज करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। एक सिंपल सा प्रोग्राम बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कमेंटिंग में हैश साइन का यूज किया जाता है। तो देखा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारी एक पाइथन फाइल ओपन है। यहाँ पर मैं किस तरह से प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करूंगी, किस तरह से इनपुट फंक्शन का यूज करूंगी यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट कराने के लिए, तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बता रही हूँ कि एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एन एज ऑफ अ पर्सन। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, डिस्प्ले अ मैसेज ही कैन वोट, है ना, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अदरवाइज डिस्प्ले अ मैसेज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना, कि मतलब वोट दे सकता है कि नहीं। ये सारे ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स का, किस तरह से इफ में कंडीशन देंगे वो मैं आज आपको बता रही हूं। तो देखते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया एज, यहां पर हम एज इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट एंटर एज ऑफ अ पर्सन। कंडीशन देने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ यहां हमने एज में आपकी जो भी एज जाएगी, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है 18, यहां कोलन लगा दिए, इसका सिंटेक्स है। तो आप क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, अगर आप जो भी एज डाल रहे हैं, अगर 18 से इक्वल है, 18 है या 18 से ज्यादा है, तो मैसेज क्या हो जाएगा आपका, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है, अगर एज 18 है या 18 से ज्यादा है, ये कंडीशन ट्रू रहती है, तो आपका एलिजिबल फॉर वोटिंग मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर एज अगर आप 18 से कम डाल रहे हो, तो फिर वो एल्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने एल्स डाला, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका हो गया है। अब इसको रन मॉड्यूल कर लेते हैं हम। इसमें क्या आ गया, ये वाली जो एरर आती है, इनवैलिड सिंटेक्स, इसका मतलब आपका जो प्रॉपर जो ब्लॉक है, जो इफ का ब्लॉक है, वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। ठीक है, तो एल्स आपका कहां पर आएगा, आपका ये आपका इफ के नीचे आएगा। जो भी आपके ब्लॉक्स हैं या लूप चला रहे हो, अगर वो प्रॉपर ब्लॉक में नहीं है, इस तरह की एरर आपकी आएगी। ये प्रिंट भी इसके नीचे आया है। अब इसको मैं रन मॉड्यूल कर रही हूँ। अब इसमें प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी हमने यूज किया है, वो प्रॉपर ब्लॉक में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसमें हमने कोलन साइन नहीं दिया। ये फाइल मैं फिर से शेयर कर रही हूं आपको। देखिए, अब आपका पाइथन सेल में आपका यूजर एज के लिए पूछ रहा है, वो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अब पूछ रहा है एंटर द एज ऑफ अ पर्सन, तो मान लो मैंने यहाँ पर 20 दे दी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो क्या आ गया एरर आपका, क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी बनाया है, इनपुट करवाया है, तो इनपुट फंक्शन जो हमने यूज किया है, आपका नंबर क्या है, न्यूमरिक है, तो इसको इंटीजर के टाइप कास्टिंग नहीं की है, इसमें इंट डेटा टाइप का हमने यूज नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा जाता है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए हम आपको पाइथन फाइल में ले चलते हैं। यहां पर आपको इनपुट के आगे इंट यूज करना है, ताकि जो भी वैल्यू आपकी स्टोर हो रही है वेरिएबल में, वो इंटीजर टाइप की हो, नंबर हो,
अभी वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है। अब मैं स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको रन मॉड्यूल किया, फिर आपका आउटपुट स्क्रीन आ गई, पाइथन सेल आ रहा है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आ रहा है एंटर एज ऑफ अ पर्सन, तो मैंने 20 डाली। देखिए आ गया आपका एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि 20 जो एज है वो 18 से ज्यादा है, तो ये मैसेज आपका मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इफ एल्स का वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इफ एलिफ का कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।